अब हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन के कई फॉर्म होते हैं रेनफॉल होता है स्नोफॉल होता है ड्रिजल होता है स्लीट होता है ठीक है हेल होता है ठीक है अगर हम बेसिक जो मेन टाइप है वो है रेनफॉल और स्नोफॉल तो जो रेनफॉल होगा वो इमिडिएटली रन ऑफ प्रोड्यूस करेगा लेकिन स्नोफॉल क्या होगा वो जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक रन ऑफ प्रोड्यूस नहीं करेगा ठीक है तो टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन ऐसे अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को रेनफॉल इंटेंसिटी नेक्स्ट फैक्टर है तो रेनफॉल इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है अगर इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा है तो सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस होगा और अगर इंटेंसिटी इनफिल्ट्रेशन रेट से कम है तो डिलेड रन ऑफ प्रोड्यूस होगा ठीक है तो क्योंकि अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन रेट से कम है तो पूरा प्रिस्पिटेशन इनफिल्ट्रेट कर जा रहा है तो या तो इंटर फ्लो होगा या तो बेस फ्लो होगा क्लियर है नेक्स्ट इज रेनफॉल ड्यूरेशन हाउ रेनफॉल ड्यूरेशन एफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ इफ द रेनफॉल ड्यूरेशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन टी सी टी सी इज़ टाइम ऑफ कंसनट्रेशन द पोटेंशियल रन ऑफ इज मैक्सीम यानी कि जो रन ऑफ होगा वो मैक्मम होगा अगर हम सरफेस रन ऑफ की बात करें तो वो मैक्ममम होगा ऑन द अधर हैंड इफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज़ लेस देन टी सी देन द पोटेंशियल रन ऑफ विल बी लोअर देन द मैक्म यानी कि अगर ड्यूरेशन जो है अगर हम बात कर रहे हैं सपोज हमारी जो रेन फॉल ड्यूरेशन है वो है टी एंड टाइम ऑफ कंसनट्रेशन इज टी सी इफ रेन फॉल ड्यूरेशन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टी सी दैन सरफेस रन ऑफ विल भी मैक्मम बी मैक्सिम ठीक है और अगर इफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इफ लेस टी सी देख विलोअर देन मैक्सिमम लोअर देन मैक्सिमम कहने का मतलब है अगर टाइम ऑफ कंसनट्रेशन यानी कि नया टाइम आ रहा है तो टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन क्या होता है ऐसा टाइम या तो ऐसी ड्यूरेशन जब कैचमेंट का हर एक पॉइंट रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसनट्रेशन ठीक है यानी कि अगर रेनफॉल टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से ज्यादा है ठीक है रेनफॉल की ड्यूरेशन अगर टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से ज्यादा है तो यानी कि किसी भी कैचमेंट एरिया का हर एक पॉइंट रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा तो यानी कि रन ऑफ सर्फेस रन ऑफ क्या होगा मैक्सिमम होगा लेकिन अगर रेनफॉल ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसनट्रेशन से कम है तो जो रन ऑफ होगा वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम से कम होगी क्योंकि अब हर पार्ट या तो हर पॉइंट रनऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ठीक है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आउटलेट तक पहुंचने के टाइम जो है उससे कम देर के लिए बारिश हो रही है तो रनऑफ भी जो होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम से क्या होगी कम होगी तो ऐसे इफेक्ट करता है रेनफॉल ड्यूरेशन अब हम बात करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट करती है ठीक है अगर हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सपोज अगर एक कोई कैचमेंट एरिया है ठीक है और यहाँ से यहाँ पे हम रन ऑफ मेजर कर रहे हैं ये पॉइंट है पी आउटलेट अब हम बात ले रहे हैं कि जो पूरे कैचमेंट एरिया पे रेनफॉल जो हो रही है वो यूनिफॉर्म हो रही है ठीक है यूनिफॉर्म हो रही है तब तो जब यूनिफॉर्म हो रही है तो उसी के हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन नीड सेटिस्फाई होगी ठीक है अब उसी के हिसाब से रन ऑफ जनरेट होगा तो रन ऑफ जो जनरेट होगा वो डिलेड रन ऑफ जनरेट होगा लेकिन अगर हम बात करें सेम केस में अब इस केस में जो वॉल्यूम हो रही थी जितनी वॉल्यूम की रेनफॉल हो रही थी अगर वो इसी कैचमेंट में सेम कैचमेंट है सेम कैचमेंट है और यही आउटलेट पॉइंट है क्लियर है अब यही जो जितना वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल हो रहा है वो बस कुछ ही पोर्शन पे हो कहने का मतलब अगर हम इतना कैचमेंट एरिया कंसिडर कर ले रहे हैं तो पूरी रेनफॉल इतने ही कैचमेंट पे हो तो इस केस में रन ऑफ क्या होगा जल्दी प्रोड्यूस होगा तो ऐसे आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ पे क्लियर है नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कैचमेंट एरिया अगर मान लेते हैं कि जो किसी भी कैचमेंट एरिया का स्लोप ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है तो स्ट्रीम की तरफ वाटर जल्दी पहुंचेगा स्ट्रीम की तरफ वाटर जल्दी पहुंचेगा यानी कि जो रन ऑफ का पीक होगा वो जल्दी आकर करेगा लेकिन अगर स्लोप फ्लैट है तो रन ऑफ को स्ट्रीम पे पहुंचने में टाइम लगेगा तो यानी कि पीक देर से पहुंचेगा ठीक है तो स्लोप ऑफ कैचमेंट एरिया पे भी ऐसे डिपेंड करता है अगर स्लोप ज्यादा है तो रन ऑफ जल्दी स्ट्रीम की तरफ पहुंचेगा तो यानी कि पीक जल्दी आकर करेगा क्लियर है नेक्स्ट फैक्टर इज जियोलॉजी अब मान लेते हैं कोई सैंड है और क्ले है तो सैंड की परमेबिलिटी ज्यादा है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होगा तो जो सैंड होगा उसमें डिलेड रन ऑफ प्रोड्यूस होगा लेकिन अगर क्ले की बात करें तो क्ले की परमेबिलिटी कम होगी तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा तो यानी कि उसमें सरफेस रन ऑफ अगर करेगा तो आपके जियोलॉजी पे भी जियोलॉजी भी इफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को क्योंकि अगर सैंडी सोइल है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो ज्यादा होगा तो डिलेड रन ऑफ प्रोड्यूस होगा अगर क्ले है तो उसमें इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो उसमें सरफेस रन ऑफ प्रोड्यूस होगा क्लियर है Next is drainage network. Drainage network का मतलब है कि किसी कैचमेंट एरिया पे ठीक है drainage network का तो अगर अगर हम मतलब समझे, तो मान लेते हैं कोई एक particular area है, ये आपका एरिया है और इस एरिया पे छोटी छोटी बहुत स्ट्रीम्स है यानी कि छोटी छोटी वाटर चैनल्स बहुत है ठीक है वाटर चैनल्स बहुत है तो जब इस प्रेसिपिटेशन होगा ठीक है तो इस टाइप के एरिया पे जो ओवरलैंड फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि यहां पे जो है, वो इसको क्या करेंगे कर देंगे और इस केस में क्या होगा ओवरलैंड फ्लो की जो मैग्नीट्यूड होगा या तो जो उसकी मात्रा होगी वो क्या होगी कम होगी क्लियर है तो ऐसे ड्रेनेज नेटवर्क भी क्या करता है, करता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ स्टॉम डायरेक्शन ऑफ स्टॉम कैसे अफेक्ट करेगा आइए हम ये देखते हैं सपोज कोई एक एरिया है ठीक है कोई एक एरिया है अब इस एरिया में क्या हो रहा है जो प्रिसिपिटेशन का डायरेक्शन है वो डाउन स्ट्रीम में है यानी कि प्रिसिपिटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो जब प्रिसिपिटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो पहले प्रिसिपिटेशन यहां होगी फिर यहां होगी फिर यहां होगी यहां होगी यहां होगी हो हो और यह है आपका आउटलेट पॉइंट ये है आपका आउटलेट पॉइंट तो इस केस में जब प्रेसिपिटेशन का डायरेक्शन इस साइड है डाउन स्ट्रीम साइड में है तो रन ऑफ जल्दी प्रोड्यूस होगा रनऑफ जल्दी प्रोड्यूस होगा क्योंकि अब पहले यहां से आया यहां से वॉटर मूव कर रहा है फिर यहीं पे आ गया फिर यहां से भी वाटर मूव कर रहा है ऐसे ऐसे वाटर आउटलेट पर जल्दी पहुंच रहा है लेकिन अगर वही प्रेसिपिटेशन अप स्ट्रीम ट्रेवल करती ठीक आप स्ट्रीम ट्रेवल करती तो यहां से वाटर यहां पे प्रिपिटेशन देर में हो रही है तो यहां से प्रिपिटेशन को यहां पहुंचने पे, यहां से रन ऑफ को यहां पहुंचने पे भी क्या लगता टाइम लगता तो इसमें बेसिकली क्या जनरेट हो जाएगा यानी कि सर्फेस ऑफ देर से होगा और डाउन स्ट्रीम में सर्फेस रन ऑफ जल्दी होगा तो ऐसे आपका डायरेक्शन ऑफ स्टॉम भी एफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को नेक्स्ट इज एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट प्रिसिपिटेशन कहने का मतलब है अगर किसी अगर किसी एरिया पे पहले वाली बारिश के कारण सॉइल सेचुरेटेड है ठीक है तो जो अब उस उसपे नेक्स्ट बारिश होगी उसके कारण ज्यादा सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा तो उसी पहले वाली बारिश को हम कहते हैं एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन क्योंकि जो पहले वाली बारिश थी वो सॉइल को सेचूरेट कर दी है यानी कि अब जो नेक्स्ट बारिश होगी उसके कारण इनफिल्ट्रेशन क्या होगा कम होगा तो ज्यादा आपका सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा तो एंटीसीडेंट प्रेसिपिटेशन क्या होती है प्रीवियस रेनफॉल ठीक है तो प्रीवियस रेनफॉल भी एफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को ठीक है तो आपके फैक्टर्स खत्म हो गए डिफरेंट जो फैक्टर्स से जो अफेक्ट कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन ऑफ को वो खत्म हो गए अब जो इसमें नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है हाइड्रोग्राफ तो वैसे एक नेक्स्ट चैप्टर भी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अगर हम हाइड्रोग्राफ की बात करें तो हाइड्रोग्राफ क्या है हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन स्ट्रीम प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम यानी कि स्ट्रीम में टाइम के हिसाब से जो रेट है या तो स्ट्रीम फ्लो है वो कैसे चेंज हो रहा है अगर उसका हम कोई कर प्लॉट करें तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ ठीक है, है, है उसको हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ है है या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई कैचमेंट एरिया है कोई अगर हमारा कैचमेंट एरिया और ये हमारा आउटलेट पॉइंट है पी अब अगर इस पॉइंट पे अगर हम डिस्चार्ज का ठीक है डिस्चार्ज यानी प्रेसिपिटेशन के कारण ठीक है जो भी रन ऑफ हो रहा है और यहां पे जो रन ऑफ आ रहा है ठीक है यहां पे जो रन ऑफ रीच कर रहा है यानी कि रन ऑफ को तो हम डिस्चार्ज में मेजर करते थे ठीक है तो इस पॉइंट पी पे अगर डिस्चार्ज का वेरिएशन हम टाइम के हिसाब से शो करें तो उस ग्राफ को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे हम डिस्चार्ज रख लें और यहाँ पे हम टाइम रख लें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम गेजिंग पॉइंट कहते हैं अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के हिसाब से डिस्चार्ज कैसे वैरी कर रहा है ठीक है उस प्लॉट को हम कहते हैं हाइड्रोग्राफ ठीक है उस प्लॉट को हम क्या कहते हैं हाइड्रोग्राफ क्लियर है तो अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन स्ट्रीम प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम क्रोनोलॉजिकली इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ ठीक है अब हाइड्रोग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट टाइम इन्वॉल्व यानी कि हम कितना टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं तो उसके हिसाब से हाइड्रोग्राफ है लॉन्ग टर्म हाइड्रोग्राफ एंड शॉर्ट टर्म हाइड्रोग्राफ शॉर्ट टर्म हाइड्रोग्राफ को हम फ्लड हाइड्रोग्राफ भी कहते हैं शॉर्ट टर्म हाइड्रोग्राफ का मतलब है कि, कि किसी कैचमेंट एरिया का कि कैसी कैचमेंट एरिया का क्या नेचर है विध रिस्पेक्ट टू प्रिपिटेशन यानी कि उस पे हो रहा है और उस कैचमेंट के किसी एक पॉइंट पे डिस्चार्ज कैसे वैरी कर रहा है उस प्रिपिटेशन के कारण ठीक है या तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉम के कारण तो उसको उस वेरिएशन को हम शो करते हैं हेल्प ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ या तो शॉर्ट टर्म हाइड्रोग्राफ लॉन्ग टर्म हाइड्रोग्राफ का मतलब होता है एनुअल वेरिएशन सीजनल वेरिएशन क्लियर है यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो हो वो काफी इन्वॉल्व हो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनुअली आपका या तो सीजनली आपका डिस्चार्ज का वेरिएशन कैसा है किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए या तो हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बात कर रहे हैं ठीक है तो वहां पर डिस्चार्ज का वेरिएशन कैसा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म हाइड्रोग्राफ से ठीक है क्लियर है अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ या तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल हाइड्रोग्राफ हम रन ऑफ की करेक्टरिस्टिक्स भी स्पेसिफाई करते हैं यानी कि रन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम में कैसा फ्लो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल हाइड्रोग्राफ हम उसको शो कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ स्टडीज आर स्ट्रीम कैन बी क्लासिफाइड एज अब एनुअल हाइड्रोग्राफ के बेसिस पे जो कोई स्ट्रीम होगी या तो वाटर चैनल होगा या तो हम रिवर की बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रिवर को ठीक है या तो रिवर के हम कई क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल हाइड्रोग्राफ सबसे पहला है पेरिनियल स्ट्रीम पेरेनियल स्ट्रीम वो होती है या तो पेरेनियल रिवर वो होती है जिसमें साल भर पानी अवेलेबल रहता है जिसमें साल भर पानी क्या रहता है अवेलेबल रहता है उस टाइप की स्ट्रीम को हम कहते हैं पेरेनियल स्ट्रीम ठीक है इट इज वन विच ऑलवेज कैरीज सम फ्लो थ्रू आउट ईयर इज नोन एज पेरेनियल स्ट्रीम इवन ड्यूरिंग ड्राई सीजन ड्राई सीजन का मतलब है जब बारिश नहीं हो रही है इवन ड्राई सीजन द वॉटर टेबल विल बी अबव द बेड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो रिवर है उसके उसका जो बेड है उसका जो लोवस्ट मोस्ट लोअर मोस्ट लेयर है उससे ऊपर आपका ग्राउंड वाटर टेबल होता है तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर उससे ऊपर है तो ग्राउंड वाटर टेबल से पानी स्ट्रीम में फ्लो करना हो जाएगा ड्यूरिंग ड्राई सीजन भी ठीक है तो ऐसी स्ट्रीम साल भर पानी कैरी करती हैं ठीक है ऐसी स्ट्रीम क्या करती हैं साल भर पानी कैरी करती हैं इस टाइप की स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ग्राउंड वाटर फ्लो का भी होता है ठीक है और ग्राउंड वाटर फ्लो का अमाउंट कब होता है ड्यूरिंग नॉन प्रिसिपिटेशन पीरियड यानी कि मानसून के समय नहीं यानी कि जब बारिश का पीरियड होता है ठीक है बारिश का पीरियड ना भी हो तो भी इस स्ट्रीम में पानी प्रेजेंट होता है ड्यू टू ग्राउंड वाटर फ्लो ठीक है अगर हम बात कर रहे थे एनुअल हाइड्रोग्राफ का देखिए हमने ईयरली शो किया है टाइम को जनवरी से दिसंबर तक और डिस्चार्ज देखिए बेसिकली जो मानसून सीजन रहता है वो जून से अगस्त रहता है ठीक है तो इस समय तो इस स्ट्रीम में जो पानी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन अगर इन ईयर के अलावा भी देखें तो इसमें कुछ ना कुछ पानी प्रेजेंट है तो ऐसी टाइप की स्ट्रीम को हम कहते हैं पेरिनियल स्ट्रीम नेक्स्ट है इंटरमीटेंट स्ट्रीम इंटरमीडियन स्ट्रीम क्या होता है इट हैज लिमिटेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर ठीक है इट हैज लिमिटेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्ट्रीम रिमेंस ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ ड्राई मंथ ठीक है स्ट्रीम रिमेंस ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ ड्राई मंथ बेस फ्लो अकर्स ड्यूरिंग वेट सीजन यानी कि जब प्रेसिपिटेशन का सीजन होगा तब आपका ग्राउंड वाटर फ्लो होगा कहने का मतलब है कि जब प्रेसिपिट मानसून का सीज़न रहता है तो ग्राउंड वाटर टेबल आपकी स्ट्रीम बेड से ऊपर हो जाती है तो आपका बेस फ्लो भी होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम इसकी हाइड्रोग्राफ की बात करें तो देखिए इस समय भी थोड़ी बहुत बारिश होती है अब ये आपका ड्राई पीरियड है तो ड्राई पीरियड में कोई भी प्रेसिपिटेशन हो नहीं रही और कोई भी ग्राउंड वाटर फ्लो भी नहीं हो रहा है क्योंकि इस के इस इस समय आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल होगा वो बेड ऑफ स्ट्रीम से क्या होगा नीचे होगा लेकिन जैसे ही मानसून सीजन अप्रोच हुआ तो इसमें डिस्चार्ज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि मानसून के सीजन में प्रेसिपिटेशन हो रही है यानी कि सरफेस रन ऑफ भी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ जो वाटर टेबल है वो बेड ऑफ स्ट्रीम से ऊपर आ जा रही है तो बेस फ्लो भी होता जा रहा है ठीक है तो इसमें ड्राई सीजन में कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं होता है क्लियर है और वेट सीजन में आपका बेस फ्लो का भी कंट्रीब्यूशन होता है अब एफीमेरल स्ट्रीम क्या होती है एफीमेरल स्ट्रीम में कोई भी ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है यानी कि अगर हम बारह महीने की बात करें तो हमेशा जो ग्राउंड वाटर टेबल होगी वो आपकी बेड ऑफ स्ट्रीम से नीचे ही होगी ठीक है बेड ऑफ स्ट्रीम से क्या होगी नीचे होगी तो इस टाइप की स्ट्रीम में कोई भी ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं होता है ठीक है इसमें जो बेसिकली फ्लो होता है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स होता है यानी कि जब प्रिसिपिटेशन हुई तो स्ट्रीम में पानी आ जा रहा है यानी कि सरफेस रन ऑफ के कारण ठीक है तो उसमें बेसिकली एक फ्लैश फ्लो टाइप का जनरेट हो जाएगा यानी कि स्पाइक्स अगर हम इसमें डिस्चार्ज और टाइम का बीच का ग्राफ खींचे तो स्पाइक्स होगी ये जो स्पाइक्स हैं बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए प्रोड्यूस होती हैं यानी कि डिस्चार्ज बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है ठीक है तो यानी कि जब प्रेसिपिटेशन हो रही है तो डिस्चार्ज बढ़ जा रहा है प्रेसिपिटेशन बंद हो जा रही है तो डिस्चार्ज कम हो जा रहा है तो ऐसे स्ट्रीम्स को हम कहते हैं एफीमैरल स्ट्रीम तो इसमें कोई भी ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं होता है इस स्ट्रीम में कोई भी ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर और जो एरिड रीजन में जो भी रिवर होती है वो एफिमेरल काइंड की होती है एरिड रीजन यानी कि जो भी डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जो भी स्ट्रीम होती है वो आपकी एफीमैरल होती है यानी कि एफीमेरल स्ट्रीम में केवल प्रिसिपिटेशन के समय पानी रहेगा बाकी हमेशा वो क्या रहेगी ड्राई रहेगी क्लियर है